जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आपने अभी तक बोर्ड में लिखा हुआ देख लिया होगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आज किस वीडियो को, किस टॉपिक पे ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी आर्मी परमानेंट भर्ती आ चुकी है। अभी भी इंडियन आर्मी में एक ट्रेड ऐसा है, देखिए 5 ट्रेड हैं, एक है जीडी, एक है टेक्निकल, एक है कलर, एक है ट्रेड्समैन में 8 पास 10 पास, और एक है नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, अभी सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड को छोड़कर बाकी सब जितने ट्रेड थे तो उन सभी को अग्निवीर कर दिया गया है। तो उनका नाम अग्निवीर है, जैसे कि अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क। लेकिन अभी बस एक ही ट्रेड इंडियन आर्मी में ऐसा बचा हुआ है जिसके अंदर अग्नि पर जो स्कीम है वो लागू नहीं हुई है, और ये पहले की तरह ही परमानेंट भर्ती है। जैसे अभी आज से पहले जैसे भर्तियाँ इस ट्रेड में होती थी पहले, सेम वैसे ही अभी भी मतलब इसकी भर्ती वैसे ही हुआ करेगी। तो मैं आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा है आर्मी परमानेंट भर्ती, ये एक परमानेंट भर्ती है, इससे पहले होती थी। ये है रेगुलर ग्रेडर, मतलब इसमें आप एक बार भर्ती हो जाएंगे तो जब तक इसमें सर्विस जैसे 17 साल हो गए, 20 साल हो गई, इस तरह से आप अपनी सर्विस अपनी कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती है ये कहाँ पर आई है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये जो भर्ती है ये आई है अपने AMC सेंटर लखनऊ में। ये जो है आर्मी मेडिकल सेंटर जो है लखनऊ, ये वहाँ पे आई है आर्मी मेडिकल कॉलेज AMC सेंटर लखनऊ में आई है ये भर्ती, जो कि लखनऊ जैसे कि UP में है हमें पता होगा। ये अभी रिलेशन भर्ती आई है, ठीक है। ये सिर्फ उन भाइयों के लिए है जो भाई रिलेशन भर्ती में जाते हैं, ये भर्ती सिर्फ उनके लिए आई है। अभी क्या है कि इसका ओपन भर्ती भी आने वाला है। जैसे कि मुझे पता लगा है कि अभी क्या है जो अभी जो ओपन भर्ती इसका आने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट का, तो ये दो स्टेट का एक साथ होगा, दो या तीन स्टेट का एक साथ होगा। वो आपको जो आर्मी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने में पता लग जाएगा। उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अगर अभी पहले इस टॉपिक का हम पहले बात करते हैं, तो जैसे कि रेशन भर्ती है, अब मैं आपको इस वीडियो में एकदम इसी वीडियो में पूरी जानकारी A to Z। तो देखिए अभी क्या है, ये जो भर्ती कहाँ होने वाली है मैं बताता हूँ। ये भर्ती हमारी होने वाली है AMC सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ। इस जगह का नाम है AMC सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ में ये भर्ती होने वाली है। ये भर्ती हमारी होने वाली है 1 नवंबर से भर्ती चलेगी, और ये चलेगी 5 नवंबर तक, ठीक है। टोटल 5 दिन हमारी भर्ती चलेगी, 1 नवंबर से जब चलेगी तो हमारी भर्ती चलेगी 5 नवंबर तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती का जो सेंटर की ओर से जो AMC सेंटर की ओर से जो चार्ट निकला था वो कब निकला था। तो इसका जो चार्ट निकला था वो निकला था 24 सितंबर को, 24 सितंबर को इसका वहाँ से चार्ट निकला था। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जाने के सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए इसमें जाने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको उसमें करना पड़ेगा आपके ईमेल अकाउंट से, जबकि ईमेल आईडी होगी उससे। तो देखिए अभी जो उसका प्रोसेस है, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पूरा एकदम बता दूंगा जानकारी कि उसमें कैसे करना रजिस्ट्रेशन, फिर उसमें आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा। उसके लिए आप चिंता मत करिए, मैं इसके बाद उसका वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने कर दिया है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन, इसलिए, और मेरा वहाँ से रिप्लाई आ चुका है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन कैसे लेंगे। अगर आप इसमें सिंपल 10+2 यानी कि आपने 10th भी किया हुआ है, आपने 12th भी किया हुआ है, तो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन पर आपका जो 12th है उसमें आपका 40% होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, कम से कम 40% होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, और टोटल जो होता है एग्रीगेट आपका होना चाहिए 50%।
बात कर लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या होने चाहिए। तो इसमें आपके लिए सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे इसमें अगर आप इसमें चार सब्जेक्ट हैं ट्वेल्थ में तो आप इसमें जरूर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो कब से कब तक इसका हम कर सकते हैं, तो हमारे भाई वहाँ पे आ जाएगा तो हम खरीदने के लिए जा सकते हैं। तो इसका जो स्टार्ट हुआ रजिस्ट्रेशन वो इसका स्टार्ट हुआ था 26 सितंबर को इसका रजिस्ट्रेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और इसका कब तक चलेगा, तो इसका चलेगा रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर तक, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है वो है 25 अक्टूबर, उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा अगर आपको जाना होगा तो। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। तो इसमें हमारी एज लिमिट जैसे कि पहले के हिसाब से ही है, जैसे पहले होती थी 17 से लेकर 23 साल तक, लेकिन अभी इसमें हमें छूट दी गई है एज में। इसमें हमें दिया गया एज रिलैक्सेशन, इसमें हमें दिया गया कम से कम दो साल का दिया गया है एज रिलैक्सेशन। तो अब जो इसमें भाई हैं वो जा सकते हैं 25 साल तक भी, 17 साल 6 महीने से 25 साल तक के भाई इसमें जा सकते हैं। और ये जो इसमें दिया गया छूट ये सिर्फ वन टाइम दिया गया है, ये साफ साफ उसमें उसका नोटिफिकेशन है उससे चार्ट निकला हुआ सेंटर की ओर से उसमें लिखा हुआ है। तो ये थी बस इतनी जानकारी इस सेंटर के बारे में। तो अभी मैं करूँगा, मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको उसका जो चार्ट है जो कि सेंटर से मेरे को मिला है तो मैं आपको अपने वीडियो के आखिरी में लगा दूंगा, तो आप उसमें पूरी जानकारी उससे देख लीजिएगा। अभी का अपडेट बस यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद